आए दिन के व्रत से अजगर सर्प जैसे जहरीली जानवरों के मुंह में लग जाता है ताला। बाबा का चमत्कार या अंधविश्वास। जानने के लिए सुनिए व्रत करने वाली महिलाओं से चमत्कारी बाबा की दास्तान। हम व्रत छोड़ने आए 2.5 दिन का। ये बिलट बाबा है और भांग बाबा है। मनोकामना पूरी होती है यहाँ से। और क्या सांप बोले डेंगू काटते हैं तो अच्छा हो जाता है। मनोकामना के लिए आए हैं। इतवार से सोमवार मंगलवार यहाँ हम बहुत दिन से आते हैं। यहाँ कोई काट खाते है जहरीले जानवर तो यहाँ से भभूत से अच्छा हो जाता है आराम लग जाता है। ये बिलट बाबा और भांग बाबा यहाँ पे महिलाएं अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो मतलब अगर आपको कुछ भी हो जाए मतलब अपनी दिक्कत वगैरह आ जाए तो यहाँ के भावा मतलब कुछ भी हो जाए मतलब सांप डेंडू बिच्छू कोई से भी जानवर वगैरह काट लेना तो इसके यहाँ से भावुक खाने से ठीक हो जाता है। नहीं घर में मतलब घर में कोई भी किसी प्रकार का संकट नहीं आता है। आस पास नसुलागंज से 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रोजन खेड़ी में विराजमान है देव बिलट एवं फेरू जिनका 2.5 दिन का व्रत हजारों महिलाएं करती हैं। यहां अगन माह वैशाख के महीनों में 2.5 दिन का व्रत करती है महिलाएं। रविवार से मंगलवार के दिन ग्राम रोजन खेड़ी में बिलट देव एवं भान बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना कर महिलाएं व्रत छोड़ती हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं बिलट देव के 2.5 दिन के व्रत को छोड़ने के लिए दूर दूर से आती हैं। सैकड़ों वर्षों से यह अगन एवं वैशाख में हर मंगलवार को मेला लगता है। बिलट देव को अद्भुत चमत्कारी देवता माना जाता है। व्रत करने वाली महिलाओं की मान्यता है कि जो भी महिला बिलट देवता का व्रत करती है उसके घर में कोई रोग दुख दरिद्रता भूत पलित जिन जिन्नात का साया दूर दूर तक नहीं भटकता। व्रत करने वालों के घरों में सुख शांति मिलती है। साथ ही रोजन खेड़े भिलट देव भान देव मंदिर में पूजा कर व्रत छोड़ने से पूरे साल परिवार के लोगों को किसी भी जहरीले जीव जंतुओं जैसे सर्प गोईरा आदि नहीं दिखाई देते एवं किसी भी परिवार के व्यक्ति को सर्प जैसे भयानक जीव के काटने का भय नहीं रहता। सर्प अजगर का मुँह बंद हो जाता है। गौरतलब है कि भिलट देवता के यहाँ जो भी जाकर मन्नत मांगता है उनकी मन्नत बहुत जल्दी पूरी होती है। जो महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए बाबा के यहाँ प्रार्थना करती हैं, उनके यहाँ पुत्र ही पैदा होता है। जिन लोगों के बच्चों की शादी में रुकावट होती है एवं समय पर शादी नहीं होती बाबा के यहाँ सच्चे मन से जो महिला या पुरुष जो भी मांगता है बाबा के दरबार में 1 साल के अंदर पूरी होती है मुरादे। अगर किसी को सर्प या कोई भी जहरीला जीव काट ले और उस घर में कोई भी व्यक्ति भिलट बाबा के नाम का एक धागा सर्प दशा से पीड़ित व्यक्ति के पैर में बांध दे और भिलट देव के नाम से गुड़ घी की ग्यारी या रास्ते से मिट्टी उठाकर खिला दे तो तुरंत जहर उतर जाता है। मंदिर में वर्षों से पूजा करने वाले पुजारी का कहना है कि यह अंगद के महीने में हर मंगलवार को मेला लगता है और दूर दूर से हजारों महिलाएं व्रत छोड़ने आती हैं। बिलट देव बाबा हर एक की मुरादें पूरी करते हैं। जो भी महिला साल में 1.5 दिन का व्रत कर या छोड़ने आती है तो पूरे साल बाबा उसके परिवार की रक्षा करते हैं और उस परिवार या व्रत करने वालों के घर खेत में कोई सर्प या जहरीला जानवर नहीं दिखाई देता है। या जिन लोगों को लकवा पैरालिसिस जैसी भयानक बीमारी होती है तो इस मंदिर में सिर्फ बाबा के नाम की राख खाने से ही फायदा हो जाता है। पहले यहाँ भिलट बाबा के सहयोगी भान बाबा भेरू बाबा को बकरों की बलि भी दी जाती थी जो यहाँ पर अपनी मान्यता कबूलते थे। पूरी होने पर भान बाबा के यहाँ बकरों की बलि दी जाती थी जो कि अब प्रशासन की रोकथाम के कारण बंद है। भिलट देव एवं भान बाबा बहुत ही चमत्कारी है। इसलिए यहाँ सिर्फ सीहोर जिले के ही नहीं दूर दूर के लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर बाबा को प्रसाद चढ़ाते हैं।
आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज़, हर खबर सच्चाई के साथ।